टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि करनाल में पूरे हरियाणा से पीजीटी संस्कृत के टीचर्स निर्मल कुटिया के सामने पार्क में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने सरकारी नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दरअसल टीचर्स का कहना है कि हमारी भर्ती का नतीजा 2 साल पहले 2019 में आ गया था, जिसके चलते 2 साल से हम लगातार सरकार और उनके मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन ही दिया गया है, जिसको लेकर आज करनाल में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टीचरों ने यह भी कहा कि हमें नियुक्ति का लेटर तो आया ही नहीं, पर हमारी भर्ती को रद्द करने का नोटिस आ गया। वहीं सरकार ने नई भर्ती भी निकाल दी। टीचरों ने कहा कि अगर संस्कृत और गीता को बचाना है तो टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके और संस्कृत और गीता के संदेश के बारे में बता सके। आगामी कदम संघर्ष है और माननीय सीएम साहब को इस विषय में सही तरह से अवगत कराना है कि जो इस भर्ती में उन्हें गुमराह किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार और सर्विस रूल के अनुसार हुई है, और हमारा साक्षात्कार और अंतिम परिणाम माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निकलवाया है, और हम 7 साल से धक्के खा रहे हैं और रिजल्ट आने के 2 साल हो गए, हम नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब हमारा कोर्ट से डिसीजन आना था हम नियुक्ति की राह देख रहे थे, तो एक दिन पहले ही 11 तारीख को हमारा डिसीजन आना था और एक दिन पहले 10 फरवरी को ही HSSC ने एक नोटिस डाल दिया अपनी साइट पे कि तुम्हारी भर्ती रद्द और नया विज्ञापन जारी कर दिया। क्या मंशा लगती है सरकार की इसके पीछे? सरकार की मंशा, सीएम साहब तो ईमानदार है, सीएम साहब में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। हमारा ये निवेदन है कि सीएम साहब इस विषय को अच्छी तरह से समझे और इस विषय में संज्ञान ले और हमारी भर्ती को पूरी करें। बाद में चाहे नई भर्तियां कितनी निकालें, हमें उससे क्या दिक्कत है? पहुंचने का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है, सीएम साहब तक अपनी आवाज पहुंचाना, उनसे मिलना। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। कहां से? मैं कैथल जिला पुंडरी से रहने वाला हूँ। तो अभी तक आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है शुरू से? अब तक नहीं हुई सर, हमारा कोर्ट में स्टे लगा था, कोर्ट में 1 साल हमारा कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, और अब सरकार कह रही है अभी लंबे समय से विवाद जारी है। लंबे समय से विवाद कहाँ, अब तो हमारे रिटर्न आर्गूमेंट्स हो चुके हैं कोर्ट में, और 11 तारीख को रिजल्ट फाइनल डिसीजन आना था, तो एक दिन पहले ही सरकार ने ये काम कर दिया। ऐसे साथी थे जो कोर्ट चले गए, जिसके कारण इसमें स्टे हो गया था, स्टे भी टूटा, लेकिन सरकार की नीति साफ न होने के कारण हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। और जब अब 11 फरवरी को हमारा जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आने वाला था, उससे महज 2 दिन पहले सरकार ने जो है भर्ती को कैंसिल कर दिया, तो इसमें जो हमारे ये 523 साथी हैं ये कहाँ जाए? इनकी 6 साल की जो मेहनत थी वो कैसे वापस आएगी? अब जो है कंपटीशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे जो नए विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि 6 साल पहले जो जॉब हम प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए एफर्ट्स हमारा अब छूट गया था। आज करनाल में कहां कहां से आए और किस लिए इकट्ठा हुए हैं करनाल में? आज हम करनाल में पूरे हरियाणा से आए हुए हैं साथी हैं, कोई हिसार से है, कोई झज्जर से है, कोई रोहतक से है, कोई रेवाड़ी से है, महेंद्रगढ़ से है, दूर दूर से साथी आए हुए हैं, पलवल से हैं। तो हम लोग यही है कि एक बार मुख्यमंत्री साहब हमसे मिले, हमारे साथियों से हमारी सुने, हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर बताएं कि हमने जो है ऐसी कौन सी भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है जो कि उसको हमने पूरा नहीं किया। ठीक है, तो कम से कम हमें हमारा कारण तो बताया जाए। कारण नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये बोल दिया जा रहा है कि हमने तो तुम्हारी भर्ती का तिया पाचा कर दिया। ये एक शिक्षा मंत्री के लवज है कि तुम्हारी भर्ती का तिया पाचा कर दिया, क्या समझे इस तिया पाचा को, बताओ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार के जो अधिकारी हैं मंत्रीगण कई बार ये कहते हैं कि इस भर्ती में जो है शास्त्री जो संस्कृत को पढ़ रहे हैं शास्त्री लोग गुरुकुलों में, उनको मौका नहीं दिया गया। मैं शास्त्री हूँ, जयराम विद्यापीठ से पढ़ा हुआ हूँ, हमारे भाई हैं कई जयराम विद्यापीठ से, चार तो हम जयराम विद्यापीठ से सिलेक्ट हुए हैं कुरुक्षेत्र से, शास्त्री करके आए हैं, गुरुकुल पद से पढ़ के आए हैं, लेकिन ये सारे झूठ बोलते हैं कि भी इसमें कोई भी शास्त्री नहीं है।
क्या मंशा लगती है आपको सरकार की? हमें नहीं पता क्या मंशा है सरकार की। अब देख लो, ये तो सिर्फ हमें मारना चाहते हैं। 7 साल मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। पूरी जिंदगी की मेहनत हमारी एक मिनट में उन्होंने खराब कर दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं पानीपत से हूँ। भर्ती में कम से कम 150 शास्त्री की हुई महिलाएं हैं और हम अपना ये शास्त्री का जो ओरिजिनल डिग्री है अपने साथ लाए हैं। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि उनके साथ भी न्याय करे और हमारे साथ भी न्याय करे। हम भी तो सरकार की बेटी हैं। कहाँ कहाँ से आए हम? पूरे हरियाणा से आए हैं सर। तो आज इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है? इकट्ठा होने का यही कारण है, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ भी ध्यान दे। पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हैं और सरकार ने हमारा मान सम्मान लूट लिया। उसके बदले में हम सरकार से अब क्या कहें क्या ना कहें? जिसका मान सम्मान लूट लेती है कोई सरकार, वो क्या कह सकता है और वो क्या मांग सकता है? आप अंदाजा लगा लो, 7 साल की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें मिला एक कंसीलेशन लेटर कि आपकी भर्ती रद्द की जाती है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी 11 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा और हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और जज ने भी कह दिया था कि मैं फैसला दूंगा, लेकिन सरकार उससे 2 दिन पहले ही हमारी भर्ती को रद्द कर देती है और नई भर्ती निकाल देती। मैं पूछती हूँ, हम कोई पाकिस्तानी है क्या जो नई भर्ती निकाल दी और हम यहाँ के नहीं थे क्या? एक बार सरकार हमें ये जवाब दे कि हमारे साथ ये अन्याय किया क्यों? हमारा सब कुछ लूट गया, जिसका मान सम्मान लूट जाता, जो 2 साल से लेक्चरर बने फिर रहे हैं उनके दिल पे अब क्या बीतरी होगी? मैं पूछती हूँ, कट्टर साहब एक बार दोबारा इलेक्शन लड़के देख ले फिर हम बताएंगे कि 7 साल या 2, उन्होंने 1 साल ही हुई सरकार बने, हमें तो 7 साल हो गए लड़ते हुए, एक बार वो दोबारा इलेक्शन लड़े फिर हम बताते। अगर वो इस बात के लिए तैयार है तो हम उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। तो आज करनाल में किस लिए इकट्ठे हुए? आज करनाल में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम अपनी बात लोगों को बताएं तो सही कि जिस करनाल के मुख्यमंत्री पे आप दम भरते हो वो ऐसे ऐसे काम भी करते हैं कि सरकार हरियाणा की इतनी बेटियों को चोटी से ले जाके नीचे गिरा दिया और कोई पूछने वाला तक नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बार हमसे उनसे मिल ले, लेकिन वो हमें मिलने के लिए तकराजी नहीं है। एक में हमारी बहन ने कहा कि मैम मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं सीएम साहब से एक बार मिल के ही मरूंगी, लेकिन उन्होंने सीएम साहब आज तक दर्शन देने नहीं आए। आपकी बात पर गौर नहीं होता तो आगामी कदम क्या रहेगा आपका? आगामी कदम कुछ भी हो सकता है। जो आदमी जिसका सब कुछ लूट चुका है वो सोच के कदम उठाता, कभी उसे जो हो जाता है वो हो जाता है, वो कभी सोच के कदम उठा। हम इस हालत में नहीं है कि हम सोच समझ के कदम उठाएंगे। हमने सोच समझ के 7 साल उठा लिए। हम यहाँ पर 523 लोगों की भर्ती है जिसमें 400 महिलाएं हैं और 7 साल परिवार के साथ समाज के साथ कदम मिला के यहाँ तक पहुँचे हम। एक बार हमारा कोई कसूर बता दे, हम उस जवाब से अगर संतुष्ट होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से आप? हिसार से। सेलेक्टेड पीजीटी कैंडिडेट हैं जिनका 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन 2 साल से अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, उनसे मिले हैं, लेकिन हमें बार बार यही हौसला दिया गया कि आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अब 10 तारीख को हमारा कैंसिलेशन नोटिस आ जाता है और साथ में उसी टाइम जो नई भर्तियां निकली हैं 534 का नोटिस आया वो आ जाता है। लेकिन हमें तो हमारी ही नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम सभी जो भी प्रोसेस थी हम उसको पार करके सिलेक्टेड हुए हैं। लेकिन अब हम जो नए बच्चे हैं जो 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो भी हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब इतने हो जाएंगे तो सरकार ने तो ये ऐसा काम कर दिया कि जैसे 2 भाइयों को आपस में लड़ाने का काम होता ना, वो काम कर दिया है। हमारी मांग, हम एक गीता बहन है हमारी, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से भी लेटर लिखा है, उनको भी यही हौसला दिया गया था कि आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। हम सरकार से आज भी करनाल में मुख्यमंत्री जाए हैं और हमारी उनसे यही मांग है कि हमें या तो नियुक्ति दे दो या फिर मुक्ति दे दो। आज कहां कहां से आए हैं आप लोग? हम सारे हरियाणा से आए हैं। तो आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सीएम से मिलेंगे? हाँ जी, हमारी जो टीम है वो उनसे मिलने का प्रयास कर रही है, वो गए हुए हैं उधर, बाकी हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं उनका। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।